आइए हम जानते हैं कि हम कैसे कुंडली को देखें। तो आज मैं आपको कुंडली देखना बता रही हूँ कि कैसे कुंडली देखी जाती है। और ये कुंडली है, ये मिथुन राशि की कुंडली है। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं आप देखिएगा, है ना। तो अभी मैंने आपको जो बता रही हूँ, मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ, इसमें आप जो है देखिएगा कौन कौन से हमको पॉइंट देखने पड़ते हैं कुंडली देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो ग्रह होते हैं आपस में शत्रु हैं, सम हैं या मित्र हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि तीसरे स्थान, पांचवें, सातवें, नवें, दसवें पर कैसी है, मतलब अच्छी है कि बुरी है। तीसरे पॉइंट है ग्रह आप अपनी राशि में हैं तो अच्छा है। ग्रह उच्च का होता है या नीच का है, उसमें जो बैठे हैं ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं। ग्रहों में तात्कालिक मित्रता है या शत्रुता है। ग्रहों में नैसर्गिक मित्रता है या शत्रुता है। ग्रहों की डिग्री कितनी है, जैसे ग्रह बाल्यावस्था में है या युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है। अब बाल्यावस्था में कितनी डिग्री है या कितनी डिग्री, युवावस्था में या वृद्धावस्था में कितनी डिग्री, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और उसमें मित्रता किसकी, नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक मित्रता, ये भी मैं सब बता चुकी हूँ। उसके बाद सबसे पहले देखें इन राशियों का स्वामी कौन है और आपस में इन स्वामियों की आपस में शत्रुता है कि मित्रता है। फिर जो राशियों के ग्रह में बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की उन राशियों से के स्वामी से मित्रता है या शत्रुता है, ठीक है। ग्रह कोई अस्त तो नहीं है। ये देखिए मैंने मिथुन राशि की कुंडली बनाई है, इसमें बुध के वो हैं तो ये अपनी राशि में बैठा है बुध, तो ये अच्छा है, ठीक है। इसमें सूर्य जो है उच्च का है और सूर्य के साथ जो है इसमें देखिए पांचवी इसकी दृष्टि कौन सी है, एक दो तीन चार पाँच, पांचवी दृष्टि शुक्र की है। तो शुक्र की नैसर्गिक मित्रता है कि शत्रुता है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी ये तीन है, तीस एक दो तीन चार पांचवी राशि, ठीक है। अब सातवीं देखिए, सातवीं दृष्टि कौन सी सूर्य की, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सूर्य का मित्र है, ये शत्रुता है इसकी, तात्कालिक मित्रता है या नैसर्गिक मित्रता है या शत्रुता है, ठीक है, ऐसे आपको देखना है। ये बुध है, बुध की मंगल के साथ सातवीं दृष्टि है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवीं दृष्टि बुध की चंद्रमा है, है ना, सॉरी तीन राशि है मिथुन की राशि है, ठीक है। इसके साथ ये बृहस्पति इसमें है, नवी राशि बृहस्पति का इसका स्वामी होता है, तो इसके साथ बनती है कि नहीं बनती है आपस में। इसमें शनि देखिए अपनी राशि में बैठे हैं तो ये अच्छे होंगे, लेकिन कुछ परिणाम जब इनका अपना होगा वो खराब भी दे सकते हैं जब शनि की दशा चलेगी तो, ठीक है। और उसके बाद जो है राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, मैंने आप पता पहले बता चुकी हूँ वीडियो में। और केतु जो है वो मिथुन राशि में नीच के होते हैं। तो ये सब आपको देखना है, ये कौन कौन सा आपका देखना है कि इसमें, जैसे मैंने लगन है तो लगन में आदमी के मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ देखी जाती है, शरीर चेहरा ये सब, और सातवां ये सब कौन सा ग्रह होता है, इसमें कौन सा क्या क्या देखा जाता है, इसमें सेकंड में इसमें परिवार कुटुंब या छोटे भाई बहन या, है ना, ऐसे इसमें सबका मैंने आपको सब बताया है कि कौन से जो वो होते हैं यहाँ पर ग्रहों के जो उनके घर होते हैं, घरों में कौन कौन से कहाँ पर क्या चीज़ होती है ना, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो सब देखिए। तो कहाँ पर अगर कोई ख़राब ग्रह है तो क्या चीज़ आपकी ख़राब करेगा, जैसे मान लिया यहाँ पर शादी का है ये घर, तो शादी से आपकी देखिए इसके साथ बनती है कि लगन में शादी आपकी कैसे होगा, ठीक है ना, ये सब आप देखिएगा इसमें। और जो है इसमें जो और भी चीज़ें देखी जाती हैं, दो चार चीज़ें और भी, जैसे अस्त है कि नहीं इसमें ग्रह कि नहीं है, तो ये सब जो मैंने मेन मेन पॉइंट आपको जो बताए हैं ये चीज मेन है, इसमें आप इसको देखकर आप कुंडली को उसका विवरण जान सकते हैं पूरा। तो आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, इसको आप बार बार देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।